गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सदर विधायक सुदिव्या कुमार सोनू ने शुक्रवार को पीराटांड प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सड़क निर्माण, चैताडी स्थित MCH में शिशु वार्ड का निर्माण और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भवनों का कायाकल्प को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। पीराटांड प्रखंड अंतर्गत मधुबन बांध और हरलाडी पंचायतों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के मद से कुल 12 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास भी किया गया। गिरिडीह से मनोज कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह पीरटार ब्लॉक में प्रधानमंत्री सड़क योजना RCCL के तहत लगभग 14 रोड का हम लोगों ने शिलान्यास किया, जो पीरटार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे गांव जो आज तक पक्के सड़क से नहीं जुड़े थे, वैसे गाँव को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में लोगों का और कुछ प्रमुख सड़कों का डिमांड है, मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाले वर्ष में उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। साथ साथ एक हॉस्पिटल में भी जो बच्चों का जो केयर हॉस्पिटल है उसका भी शिलान्यास किया, और ग्रेडी कॉलेज का कायाकल्प और कई एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनने हैं, जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का भी शिलान्यास हुआ। आने वाले समय में ग्रेडी कॉलेज को भी, जो इसका पुराना पहचान है, उसको हम लोग फिर से स्थापित। माननीय सांसद के साथ विभिन्न योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया। पीरटांड से लेकर चैताडी से लेकर गिरिडीह कॉलेज तक हम लोगों ने कई एक योजनाओं का शिलान्यास किया। MCH चैताडी में बच्चों के लिए एक वार्ड का शिलान्यास हुआ और गिरिडीह कॉलेज में भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है। उच्च शिक्षा के मामले में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अंतर्दृष्टि बहुत स्पष्ट है। वह यह मानते हैं कि हमारे जो सरकारी शिक्षा संस्थान है इनको मजबूत होना चाहिए और इनमें आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी कड़ी में यह काम चल रहा है और मुझको उम्मीद है कि साल भर के अंदर गिरिडीह कॉलेज का कायाकल्प हो चुका होगा और जिन आधारभूत संरचनाओं और बाकी बातों की बात यहाँ के छात्रों और बच्चों ने की है, हमें लगता है कि 1-2 साल के अंदर इन तमाम चीज़ों का समाधान हो चुका है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। www.khabar24newstv.com